नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबर से। खबर हरदोई से है। प्राथमिक विद्यालय वाजिदपुर में अव्यवस्थाओं का बोलबाला, विभागीय अधिकारी जिम्मेदार, बने अनजान। हरदोई विकास का नरहरोरी, लगभग 20 वर्ष पूर्व से अधूरे पड़े अतिरिक्त कक्ष, चिड़ा रहे मुह विभागीय जिम्मेदारों की कब पड़ेगी सो नजर। विद्यालय में अर्धनिर्मित पड़े कक्षों के अभाव के चलते बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है बगैर कक्षों के। प्रदेश सरकार शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान स्वच्छता कायाकल्प के तहत होने वाले कार्य, बच्चों की किताबों और ड्रेस पर पानी की तरह पैसा बहा रही है, लेकिन शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों की उदासीनता से सरकार की मंशा पर साफ तौर पर पानी फिर रहा है। जय योगी सरकार की धरातली योजनाओं का स्याह सच दिखा, गुणवत्ता को लेकर बड़े बड़े दावे धरातल पर साफ तौर पर फेल दिखे। विद्यालय के अंदर नजारा देखते ही बनता था। विद्यालय परिसर में जगह जगह कूड़ा कचरा लगा था। विद्यालय परिसर में 1:30 पर बच्चे पढ़ने के बजाय खेलते नजर आए। विद्यालय में बच्चों की कमी के अभाव में कुछ बच्चे पटियों पर बैठे मिले। जब इन बिंदुओं पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि विद्यालय में 3 लोकल स्टाफ है, सहायक अध्यापिका और पिता छुट्टी पर हैं। विद्यालय में शिक्षकों की कमी के चलते बच्चे बाहर बैठने के लिए विवश हैं, जिसमें 3 कक्ष व 1 संकुल कक्ष है। इन कक्षों का निर्माण लगभग 20 वर्षों से पूरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई भी सुविधा अभी नहीं है। अतिरिक्त अर्धनिर्मित पड़े कक्षों पर खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया, इसकी एक आध दिन में जानकारी करके बताएंगे, जिसके चलते कार्य पूर्ण होना भी चाहिए। इस संबंध में जानकारी के लिए BSA का CUG नंबर लगाने पर कॉल रिसीव नहीं हुआ। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा इस विद्यालय को जमीनी तौर पर अमली जामा कब तक पहनाया जाएगा। मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह है, मैं प्राथमिक विद्यालय वाजिदपुर का प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ। मेरी नियुक्ति इस विद्यालय में 7 पहले हुई थी, तब से मैं यहीं पर कार्यरत हूँ और मैंने अपने स्तर से विद्यालय को अच्छा करने में, विद्यालय का संचालन अच्छी तरीके से करने के लिए अपना संपूर्ण योगदान दिया है, 100% योगदान दिया है। विद्यालय में एक समस्या है जिसके लिए मैं कई सालों से प्रयासरत हूँ, जो कि है ये अतिरिक्त कक्षा खर्च बने हुए हैं इनकी समस्या को लेकर के, क्योंकि हमारे विद्यालय में नामांकन ज़्यादा है और कक्षा खर्च केवल 2 ही हैं और उन 2 कक्षा कक्षों में जो क्रियाशील हैं उनमें 2 बूथ भी हैं। जो अतिरिक्त कक्षा कक्ष बने हुए हैं वो अधूरे हैं। इनको ठीक कराने के लिए या इनकी मरम्मत कराने के लिए मैंने विभाग को कई बार लिखित रूप से सूचना दी, खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय BRC पर भी सूचना दी, विभिन्न शैक्षिक ग्रुप हैं NPRC और ब्लॉक स्तर के, उन पर भी इन कमरों की फ़ोटो डाली और सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय में भी उस समय JEE थे दिलीप शुक्ला जी, उनको भी इस हेतु एप्लीकेशन मैंने रिसीव करा दी थी, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि इन कक्षा कक्षों की मरम्मत के लिए अतिरिक्त ग्रांट जारी कर दी जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, आप अपने स्तर से ही जल्द से जल्द इन कक्षा कक्षों को ठीक कराने की कृपा करें। ये जो जर्जर अवस्था में अतिरिक्त कक्ष हैं ये कितने हैं? ये 3 कक्षा कक्ष हैं और 1 संकुल कक्ष है। तो आप शासन प्रशासन से, विभाग से क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि इन कक्षा कक्षों का कायाकल्प जल्द से जल्द हो सके। अपने ग्राम प्रधान को भी मैंने इस बारे में सूचित कर दिया है। विद्यालय विकास योजना जो बनाई थी उसमें भी इस बात को मैंने शामिल कर दिया कि इन कक्षा कक्षों के कायाकल्प के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।